बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल में विभिन्न जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 झुलसे लोगों में की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 2 का इलाज निजी अस्पताल विक्रमगंज में ही जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मृतकों में एक किशोर भी शामिल है। सदर अस्पताल सासाराम के चिकित्सक ने बताया कि वज्रपात में मरे 4 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु लाया गया है। आपको बता दें कि सभी लोग वज्रपात से बचने के लिए पेड़ के पीछे छिपे थे, लेकिन यहां पर भी वज्रपात की चपेट में सभी लोग आ गए और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए हैं, जिनका गंभीर स्थिति में इलाज किया जा रहा है। अभी CU आए थे और जो मुआवजा की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो पूरा करना होगा और तुरंत मैंने 2-4 दिन के अंदर ही इनको दोनों आदमी को 4-4 लाख रुपया मुआवजा जो सरकारी राशि होती है वो मिलेगा। ऐसी CU भी कहे हैं और हम भी जानते हैं कि इस प्रक्रिया में 4 लाख मिलता है तो ये मिलेगा, लेकिन ये सरकारी जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम करना ये सब करना उसके लिए ये जो भेजना पड़ रहा है उसके बाद 2-4 दिन के अंदर अभी DM से भी बातचीत हुई है जी, बोला कि जल्दी हम मैंने इसको मुआवजा हम दिलवाते हैं। और उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होते ही भक्तों का रेला लग गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के क्रम में यमुनोत्री धाम में कपाट खुलते ही तीर्थयात्रियों का रेला लग गया। क्षमता से काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। और दूसरी ओर वो जो खाई है उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते, जिस तरीके से वो खाई दिख रही है और ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं एक घटना को भी आमंत्रण दे सकता है। जिस तरीके से जो क्षमता है श्रद्धालुओं की, भक्तों की पहुंचने की, उससे कहीं अधिक क्षमता में जितने भी भक्त हैं वो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यमुनोत्री की है, जहां पर कपाट खुलते ही क्षमता से अधिक मात्रा में जो भक्त हैं श्रद्धालु हैं वो उमड़ पड़े हैं। और दूसरी ओर जो खाई है, यानी कि ये जो रास्ता है काफ़ी संकीर्ण है, ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है और एक जो क्षमता है लोगों की उसी क्षमता के अनुसार यहाँ पर भक्तों को आवाजाही करने की अनुमति है, लेकिन ये जो संख्या दिख रही है ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली है। और आप समझिए कि अगर ये जो क्षमता बढ़ी है श्रद्धालुओं की, भक्तों की, अगर थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो क्या आलम हो सकता है ये भी समझा जा सकता है। बहरहाल ये चिंता की बात है कि क्षमता से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो यमुनोत्री की कपाट खोलने के बाद वहां पर फंसे हुए हैं। करीब 9000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच गए तो जाम की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तीर्थयात्री 24 घंटे से बड़कोट और जानकी चट्टी के बीच 24 घंटे से फंसे हुए हैं। पुलिस ने रविवार को यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों से यात्रा को स्थगित रखने की अपील की है। तीर्थयात्रियों को विभिन्न पड़ावों पर ही रोका जा रहा है क्योंकि यमुनोत्री धाम में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है और अगर इसी तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती रही, इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यमुनोत्री में स्थिति आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है।